पुलवामा हमले पर दिए बयान को लेकर नवजोत सिद्धू अब विवादों में घिर गए हैं। हमले पर बयानबाजी करके उन्हें कपिल शर्मा के शुद्ध कपिल शर्मा शो से भी बतौर जज बाहर कर दिया गया है, लेकिन नवजोत सिद्धू को लगता है कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलवामा हमले में मारे गए 44 जवानों में 4 जवान पंजाब के थे और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को इन शहीदों के अंतिम संस्कार में पहुँचने की ड्यूटी लगाई गयी थी, लेकिन सिद्धू साहब वहाँ भी नहीं पहुँचे। पुलवामा अटैक के बाद एक्शन में सरकार, इन अलगाववादी नेताओं से वापस ली सुरक्षा। पंजाब के शहीद हुए 4 जवानों के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार देर रात ही कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी थी। इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू को मोगा में शहीद जयकमल सिंह के अंतिम संस्कार में जाना था, लेकिन सिद्धू साहब वहां नहीं पहुंचे बल्कि लुधियाना में नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कई ग्रांटें भी दी। इस दौरान सिद्धू ने मीडिया से भी बात की, लेकिन शहीद के अंतिम संस्कार में ना जाकर पहले वो नगर निगम के कार्यक्रम में पहुँच गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था कि आतंकवाद का कोई मजहब या देश नहीं होता, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। उनके बयान की सिर्फ एक ही लाइन दिखाई जा रही है, जबकि अगर उनका पूरा स्टेटमेंट सुना जाए तो उन्होंने कहा कुछ और था, जिसका मतलब गलत तरीके से दिखाया जा रहा है।